हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। टुडे वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड आर ऑलवेज इक्वल। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा क्या होता है? वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें मौजूद एटम की संख्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड समान होगा हमेशा। जैसे देखिए, इधर जिंक एटम की संख्या एक है, इधर एक है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन एटम की संख्या इधर दो है, इधर दो है, बैलेंस है। SO4 की संख्या इधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। यानी ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। सेकेंड है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड आर अनइक्वल। इस इक्वेशन में क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो अनइक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि 9th क्लास में पढ़ाया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके तहत बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व होता है, और मास कंजर्व हो इसके लिए हमें नंबर ऑफ एटम को क्या करना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ एटम को इक्वल रखने के लिए हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। दैट मींस कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन का सेकेंड टाइप है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जिसमें एटम की संख्या समान नहीं हो, तो उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। किस लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत क्या होता है? ये होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट साइड जो एटम होते हैं उनकी संख्या प्रोडक्ट साइड एटम के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए हम बैलेंसिंग इक्वेशन के तहत इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप आयरन देख रहे हो और वाटर है, और इधर Fe3O4 और इधर हाइड्रोजन गैस है। तो हमने आपको अच्छे से समझने के लिए टेबल बना दिया है। टेबल में हम एलिमेंट को देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या, ये आयरन है, आयरन की संख्या एटम की संख्या एक है, इधर तीन हो गई। हाइड्रोजन की संख्या एटम की इधर दो है, इधर भी दो है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर वन है, इधर चार हो गया। ऑक्सीजन और आयरन अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उस चीज को बैलेंस पहले करें जिनका सोर्स कम हो। सोर्स करने का मतलब कि पूरे इक्वेशन में जिस एटम की संख्या कम हो हम पहले उन्हें बैलेंस करेंगे, ओके। तो हम देखते हैं, तो इसमें तो आयरन की संख्या या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या, ये दोनों बहुत ज्यादा नहीं है, सोच तो हम बैलेंस करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए? तो चलिए, इससे सबसे बेटर है कि हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो चूंकि आप इधर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एटम की संख्या इधर एक है, इधर चार है, तो इधर हम चार लगा देंगे, तो ऑक्सीजन चार इधर हो जाएगा और चार इधर, यानी 4-4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे ही यहां 4 हम लगाएंगे तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो जाएगी? इधर 8 हो जाएगी और इधर 2 रह जाएगा। तो इधर क्या करेंगे? इधर 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन एटम की संख्या भी बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि हमारा आयरन इधर 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। चलिए, ये टेबल में समझाया गया था आपको, हम अलग अलग करके देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है, इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है। ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो H2O बनता है, दैट मीन्स कि वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दो है, इधर दो है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है, यहाँ बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस किए। तो हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या एक था, इधर दो है, तो यहाँ दो दे दिए, टू लिख दिए। तो दो लिखने पर इधर ऑक्सीजन दो हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन यहाँ जैसे ही दो दिए तो हाइड्रोजन की संख्या चार हो गया, इसलिए हमको यहाँ फिर टू लगाना पड़ा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। फिर हम एक इक्वेशन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। ये है CS4, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी, हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। तो चूंकि हम कार्बन की संख्या इधर बैलेंस है, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन चार है, फोर है, उधर हाइड्रोजन टू है। ऑक्सीजन की संख्या इधर टू है, उधर ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है। तो जैसे ही हम यहां पे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई ऑक्सीजन। फिर यहां 2 लगा देते हैं तो 2
और टू ऑक्सीजन फोर इस साइड भी हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन टू लगने से हाइड्रोजन फोर हो गया। और चूंकि यहाँ भी रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन फोर है और कार्बन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं C6H12O6 का और प्लस O2 का। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। इस ये हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करके नीचे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टोटल ऑक्सीजन की संख्या इस साइड 8 है और इधर टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितना है 3 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इधर 6 लगाया, तो 6 2 यानी 12 हो गया और 6 18 हो गया। फिर जैसे ही हम 6 यहाँ लगा दिए तो यहाँ 6 12 यानी ऑक्सीजन 12 हो गए 12 हो गए और ये ऑक्सीजन यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लगाने पर ये ऑक्सीजन भी 6 हो गया, यानी टोटल इधर ऑक्सीजन की संख्या 18 और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 18 बैलेंस हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 6 लगने से ये भी बैलेंस हो गया। टोटल हाइड्रोजन की संख्या 12 है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ 6 लगाते हैं तो ये भी बैलेंस हो जाता है। आपको एक बात याद रखना है कि ये इक्वेशन एग्जाम में हमेशा आते हैं, या जैसा भी कोई इक्वेशन पूछा जाता है, रिएक्शन पूछा जाता है, तो हम उसको अगर अनबैलेंस्ड लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा एग्जाम में आए रिएक्शन के लिए, तो वो रिएक्शन को आप कोशिश कीजिए नहीं, हमेशा उसको क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। इसीलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग के लिए अलग से 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको खासे इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके बुक में बहुत सारे इसके एग्जांपल होंगे, उसको कीजिए, प्रॉब्लम होगा तो उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। हम एक लास्ट नोट के टॉपिक को डिस्कस करके आज के क्लास को खत्म करते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन में हम लोग स्टेट को स्टेट दिखाने के लिए कुछ फॉर्म यूज करते हैं, जैसे सॉलिड के लिए S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज करते हैं, गैस के लिए G यूज करते हैं। तो ये सारे अगर जैसे सपोज डैट कि यहाँ हाइड्रोजन H2O2 है, यहाँ जैसे ही हम G लगाते हैं दैट मीन्स हमको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट साइड जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है। और अगर यहाँ L लगाते हैं दैट मीन्स कि रिएक्शन के बाद जो वाटर बना वो लिक्विड के फॉर्म में है, यानी जो सिंबल हम यूज़ करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के लिए वो सिंबल आपके रिएक्टेंट के स्टेट को दर्शाता है, जो आपके इक्वेशन को काफ़ी इंफॉर्मेटिव बना देता है, जिसको देखने से आपको पता चलता है कि कौन रिएक्टेंट किस स्टेट में रहकर रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस स्टेट में आ रहा है। थैंक यू, नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।